हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। हरियाणा रोडवेज के जरिए प्रवासी मजदूरों को उनके घर भेजने का काम लगातार जारी है, जिसके मद्देनजर शनिवार को कालका विधानसभा में रह रहे करीब 450 प्रवासी मजदूरों को पंचकुला के कालका बस स्टैंड से उनके घर की ओर रवाना किया गया। कालका से पूर्व विधायक और बीजेपी महिला मोर्चा राष्ट्रीय अध्यक्ष लतिका शर्मा की अगुवाई में बसें रवाना की गई। तो लगातार सरकार अपनी तरफ से मजदूरों को उनके घर भेजने की, अगर जहां से भी डिमांड्स आ रहे हैं उसके हिसाब से सारी अरेंजमेंट्स, सारी कोशिशें जारी हैं। कालका से भी बसों को रवाना किया गया है और 450 प्रवासी मजदूरों को भेजा गया है उनके घर। मजदूरों का दर्द सरकार का मरहम इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि मजदूरों की साढ़े 400 प्रवासी मजदूरों को घर भेजा गया है। पंचकुला के कालका बस स्टैंड से उनके घर की ओर रवाना किया गया है। राकेश गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, लगातार सरकार की तरफ से भी कोशिशें हो रही हैं, ये कालका से जो बसें भेजी गई हैं इसके बारे में बताएं। बिल्कुल, देखिए लगातार आप जानते हैं कि एक बड़ी समस्या बनी है कि किस तरह से प्रवासी मजदूर पैदल ही अपने घरों की तरफ जाने के लिए जो है अग्रसर हैं। और ये कालका जो है ये हिमाचल का गेटवे है। हिमाचल से पिछले दिनों में रिपोर्ट आ रही थी कि पैदल ही कालका की तरफ आ रहे हैं। और आप ये भी जानते हैं कि कई तरह की विशेष श्रमिक ट्रेनें चलाई गई हैं और लगातार ये प्रयास जारी है। और जानकारी के मुताबिक 1 लाख मजदूर जो है पहले ट्रेनों के माध्यम से या बसों के माध्यम से उनके जो गंतव्य स्थान तक भेजे जा चुके हैं। आज कालका से भी जो है बड़ी संख्या में मजदूरों को जो है रवाना किया गया और कालका से 450 प्रवासी मजदूरों को जो है बस स्टैंड से रवाना किया गया और रोडवेज की बसों में इन्हें रवाना किया गया। इनकी लगातार मांग थी और मुख्यमंत्री ने इंटरवीन कर ये जो है बसें चलवाई हैं। और कालका से जो पूर्व विधायक है भारतीय जनता पार्टी की लतिका शर्मा भारतीय जनता पार्टी के महिला मंच के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष भी हैं, उन्होंने ये बसें रवाना की हैं। और जो ये कल भी जो है कुछ बसें भेजी गई थी तो लतिका ने ये भी कहा है कि यदि और भी जरूरत होगी तो ये बसें और भी भेजी जाएंगी। जी ठीक है, ये कहाँ कहाँ को बसें गई हैं, कहाँ कहाँ के प्रवासी मजदूर थे? देखिये बसें जो है यूपी की तरफ गई हैं और उसके जो यूपी ये बसें जाएंगी और इन्हें बॉर्डर पर छोड़कर जहां आगे, क्योंकि आप जानते हैं कि क्वारंटाइन किया जाना है, चेकअप किया जाना है, हालांकि यहां से भी एक चेकअप इनका करके भेजा गया है। बहुत शुक्रिया राकेश आपका तमाम जानकारियों के लिए।